चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम अपील, बतारीख 13 मई 2004। 9 मई को एक साल गुजर गया है, अभी तक खवातीन जेलों में हैं, सैकड़ों बेगुनाह कारकुन जेलों में हैं, जिनको जमानत जैसे बुनियादी हक से भी महरूम रखा जा रहा है। अगर जमानत हो भी जाए तो नए केस में गिरफ्तारी हो जाती है, एक शहर के केस खत्म हो तो दूसरे शहरों के केसों में गिरफ्तारी हो जाती है। ये इंसाफ नहीं, सियासी इंतकाम है, जिसका निशाना तहरीक इंसाफ एक साल से बन रही है। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत पूछती है, एक साल हो गया, फैसले क्यों नहीं हुए? ये सवाल तो हमें करना चाहिए, जिनकी हुकूमत है वो बताएं, अभी तक केसों के चालान क्यों नहीं पेश हुए? बार बार जजों के तबादले कौन करवा रहा है? पुलिस मुकदमों का रिकॉर्ड लेकर क्यों नहीं आती? दलाइल देने की बारी प्रोसिक्यूटर कहाँ गायब हो जाता है? अगर जाली हुकूमत ये कहना चाहती है कि तहरीक इंसाफ जेलों में बैठी अदालतों को कंट्रोल कर रही है, तो फिर जाली हुकूमत घर चली जाए। मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करती हूँ, 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाए। हम एक साल से इंसाफ मिलने के मुंतजर हैं, हमें इंसाफ दें। यास्मीन राशिद।